नमस्कार। तो आज आप एम्पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। पीएफसी स्टॉक की बात की जाए तो 3% की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी था, क्वार्टर के नतीजे भी थे। अगर यहाँ पे क्वार्टर के नतीजे की वो बात की जाए तो रिसेंटली देख सकते कि पावर फाइनेंस सितंबर क्वार्टर प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन 43.70 बिलियंस का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि फिर भी स्टॉक के अंदर गिरावट तो हो चुकी है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि सितंबर क्वार्टर इंटरेस्ट जो था वो तकरीबन 119 बिलियन रुपीज़ का है और डिविडेंड भी अनाउंस किया 3.5 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते एक्स डिविडेंड डेट यहाँ पे आने वाले है तकरीबन 25 नवंबर के दिन 3.55 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड मिलने वाला है, वो भी अनाउंसमेंट किया गया है पावर फाइनेंस की तरफ से। नीचे देखोगे तो देख सकते स्टॉक सपोर्ट जो ले रहा है वो 430 के करीबन सपोर्ट ले रहा है। अगर गिरावट होती है तो वहाँ पे सपोर्ट लगने के चांसेस बन सकते हैं, पर अगर वॉल्यूम इंप्रूव होंगे तो स्टॉक में रिकवरी भी आ सकती है।